अगर तुम अगर गांव के साइड से तुम अगर आते हो मुंबई में काम करने के लिए, तो घर तो मांगता है रहने के लिए, खुद का तो होएगा नहीं, भाड़े से रहना पड़ेगा। तो यहाँ का भाड़ा जो शुरू होता है वो 4,000 तो गया है, 4,000 मिलेगा। बहुत छोटा रूम मिलेगा जिसमें तुमको, बहुत छोटा सा रूम मिलेगा, बहुत छोटा सा। उसमें तो तुम क्या सोएंगे, क्या खाना किधर बनाएंगे, मोरी भी उधर ही रहेगा। तो वो 3,000 में रूम मिलेंगे मुश्किल से, पर बहुत छोटा रूम मिलेगा। और अभी तो भाड़ा यहाँ पे चालू है 5,000, 6,000, 7,000, 7,000 तो मान के चलो, ठीक है। अगर तुम्हारा अगर स्टेशन के नज़दीक है रूम घर, स्टेशन के नज़दीक अगर तुम का घर लोगे, रूम लोगे, तो तुमको 7,000 से 6,000 और डिपॉजिट जो है वो आपको जमा करना पड़ेगा। डिपॉजिट आपका रहता है और रूम के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी रूम रूम मालिक जो रहेगा 50,000 चार्ज कर सके, कोई 30,000, कोई 40,000, जैसा उनका बोलेगा वैसा। ऐसा नहीं कि कम नहीं होगा, नेगोशिएशन करोगे तो कम ज़्यादा भी हो जाएगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। और मैं उनका बात कर रहा हूँ जिनका इनकम कम है, बाकी पढ़े लिखे है जिनका पगार 1-2 लाख, तो उनके उनका तो बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उनका तो वो खुद ही देख ले, मुझसे ज़्यादा नॉलेज उनके पास रहेगा। पर मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो गांव से मुंबई आना चाहते हैं, मुंबई में आके काम वगैरह करना चाहते हैं, तो उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो और इसमें क्या होता है कि आपको रूम ढूंढना सबसे बड़ी तकलीफ होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो दलाल रहेगा ब्रोकर, वो ब्रोकर तुमसे अलग पैसा लेगा और तुम्हारा रूम मालिक से अलग पैसा लेगा। जैसे कि समझो अगर मैं ब्रोकर हूँ और तुमको मैंने रूम मैंने बताया, घर घर दिखाया, तुमको घर तुमको पसंद आया, तो समझो अगर तुमको घर अगर पसंद आया पर तुमको लेना है 4 दिन बाद लेना 5 दिन बाद लेना, तो तुमको टोकन जमा करके जाना पड़ेगा। टोकन मीन्स एड कुछ पैसा उनको दे दो, घर मालिक को दे दो या फिर ब्रोकर को दे दो, और ज़्यादातर वो घर मालिक को दे दो, ताकि उससे क्या होगा कि वो जो रूम है वो तुम्हारे नाम पे बुक हो जाएगा। अगर समझो अगर तुमको रूम तुमको पसंद आया, अभी तुम्हारा कुछ भी एक्सपायरी जो भी होगा प्रॉब्लम, जैसे कि अभी पैसा नहीं है 3 दिन बाद आएगा, या फिर कहीं और रह रहे हो तो शिफ्टिंग करने में टाइम लगेगा, तो इस कारण क्या करो आप रूम मालिक को 1,000, 2,000 जो भी है वो टोकन, उसको टोकन बोलते हैं यहाँ पे, टोकन जमा कर दो, तो रूम वो तुम्हारा मतलब वो तुम्हारे नाम पे बुक हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सीन है। अगर समझो अगर तुमने टोकन दे दिया रूम मालिक को और बाद में तुम्हारा ख्याल बदल गया कि नहीं मुझे ये रूम नहीं चाहिए, या फिर कहीं और देख लिया उससे भी सस्ता मिल गया और अच्छा रूम मिल गया, तो इसमें क्या है कि आप जिसको टोकन दिया, जो रूम मालिक जिसको जिसका घर रेंट पे लेने वाले थे उसको अपना टोकन दिया, तो इस केस में क्या होता है ज़्यादातर लोग हैं ना वो टोकन नहीं देते, हड़प कर लेते, नहीं देते, आप मुझसे लड़ो झगड़ो नहीं मिलेगा। अगर हाँ वो अगर अच्छा इंसान है तो आपको दे देगा, जैसे कि मेरी तरह दे देगा ऐसा। पर मैं खुद का तारीफ नहीं कर रहा, पर ऐसा ही होना चाहिए ना, मतलब लॉयल। तो इसके लिए तो ज़्यादातर केस में लोग टोकन नहीं देते, तो इसके लिए आप ऐसा गलती मत करो। हाँ अगर तुमको ऐसा लगता है कि हाँ ये बंदा सही लग रहा है, अगर तुमको 1,000, 2,000 तुमको तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तो बिंदास दे दो टोकन। पर जहाँ तक मुझे मालूम है कि टोकन दोबारा मिलता नहीं है। हाँ कुछ लोग होते हैं जो अच्छे वो लोग दे देते, बाकी लोग नहीं देते। तो यही है, अगर स्टेशन के अगर बाजू में अगर आप घर लेना चाहोगे तो आपको 6,000, 7,000 भाड़ा रहेगा। अगर स्टेशन से लंबा रहेगा तो उधर पर आपको 5,500, 5,450 में आपको रूम मिल जाएगा, ठीक है। वो भी डिपेंड रूम कि मतलब रूम कितना बड़ा है, कैसा है, अगर बाथरूम वगैरह टॉयलेट सब अंदर है तो उसका भाड़ा ज़्यादा रहेगा। और मोस्ट ऑफ द केस मुंबई में क्या होता है कि सब चाली होता है, मतलब आम भाषा में बोले तो झपरपट्टी बोलते हैं, पर उसको हम लोग चोल बोलते हैं, चोल। तो चाली में क्या होता है कि जो बाथरूम जो होता है वो संडा जो होता है टॉयलेट, वो घर के बाहर होता है, तो सुबह डब्बा लो बाल्टी और चलते हुए सीधा जाओ, ऐसा है यहाँ पे। और बाथरूम भी इतना क्लीन ही रहता है, गंदा ही रहता है, जो भी है सच बता रहा हूँ। वो क्लीनिंग वाले आते हैं हफ्ते में 4 दिन में एक बार आते हैं, तो उनको आपको पैसा देना पड़ेगा महीने का कुछ 150 या ऐसे कुछ रहता है। और जो आप रूम लोगे उसमें समझो अगर आपका रूम भाड़ा 5,000 रुपये है,
तो ये तो आपका भाड़ा हो गया, और लाइट बिल उसमें अलग से ऐड होकर आएगा। लाइट बिल 600-700 जो भी आएगा वो आपको देना पड़ेगा। और पानी का जो बिल आता है वो 2-3 महीने में 6 महीने में एक बार आता है, जो कि 100-200-250 होता है, तो वो आपको देना ज़रूरी है, वो देना पड़ेगा। तो समझो अगर आपका रूम भाड़ा, अगर आप अच्छा रूम लिए तो 5,000 भाड़ा और 600-700 जो भी लाइट बिल लेगा वो मतलब 6,500 का ये। और उसमें पहले और उसमें आपको डिपॉजिट भी लगेगा। कोई कोई होते हैं कोई डिपॉजिट कम लेते हैं, 10,000 लेते हैं, 15,000 लेते हैं, पर कोई कोई ज़्यादा भी लेते हैं। और कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि 5,000 रुपये कोई लेते ही नहीं है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो यही है रूम का यहाँ पे सिचुएशन। बाकी ये जो नज़ारा है ये पवई का है, पवई मुंबई। जो तुम बोलेंगे मैं गांव में बैठ के मुंबई का बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं मुंबई में ही हूँ प्रॉपर, क्योंकि ये पवई में है, ये शांति जगह है, इसके लिए यहाँ पे मैं आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसा, और क्या बताना भूल गया मैं, बस इतने। हाँ, और यहाँ पे जो है भाजी वगैरह मुंबई में कहीं कहीं जगह पे महंगा मिलता है, कहीं कहीं पे सस्ता मिलता है, डिपेंड करता है एरिया, ठीक है ना। जैसे कि आप अगर कोई अगर अच्छा एरिया में रहे तो पोस एरिया जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको भाजी बहुत महंगा मिलेगा। मतलब समझो अगर आपका जो प्याज है, प्याज अगर किधर अगर 30 रुपये किलो किधर है मार्केट में, तो आपको वो एरिया में आपको 35-40 के भाव में मिलेगा, क्योंकि वो पोस एरिया है। तो अगर आपको अगर पैसा बचना तो आप ये कोशिश करो कि आप जितना हो सके उतना जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं आप वहाँ पे रहो, तो वहाँ पे कैसा सस्ता भी रहेगा सामान, मार्केट भी बाजू में रहेगा, घर भी बाजू में रहेगा, तो वो आपको आसान पड़ेगा। आप अगर बाकी तो आपके ऊपर है, आप मुंबई पहले आ जाओ देख लो क्या होता है, वो बाकी धीरे धीरे आपको वो सब बात आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं बोल के बताऊँगा तो आपको समझ के बाहर है। तो कैसा आप आएंगे रहेंगे तो आपको खुद को समझ में आएगी कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो ये सब चीज़ें। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक कर देना, और बस बाकी लाल वाला बटन सब्सक्राइब हो आपके ऊपर, करना तो करो वरना कोई बात नहीं। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ दोबारा ऐसे कोई कंटेंट के साथ अगले वीडियो पे। चलो बाय।